मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ग्वालियर में वर्तमान सीएम मोहन यादव की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। ग्वालियर में पत्रकारों से पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर रहने वाले जनप्रतिनिधियों को टैक्स काटकर ही भुगतान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों और स्कूलों का फायर ऑडिट होना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले हादसों से बचा जा सके। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बेहतर हों, अस्पतालों में मरीजों की दवाई और उनकी जांचें निशुल्क हों, इस दिशा में सरकार को और ज्यादा कदम उठाने चाहिए। अपने राजनीतिक जीवन को लेकर उन्होंने साफ किया कि फिलहाल 2 साल तक मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। इससे ये समझ में आता है कि पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए वो कितना छोटा भाव रखते हैं, कितना अपमानजनक और कितना खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं, इसकी निंदा करते हैं। वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं तो उनके खुद के परिवार का क्या है थी? वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए उन्हें तो सिंगल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तो वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। भगवान राम सभी धर्मों के महापुरुष हैं, क्योंकि तो राम राष्ट्र के पूर्वज हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है वो और ईसाई धर्म का जो इतिहास है वो, ये सब 2000 साल के अंदर का है, लेकिन भगवान राम जो हैं वो राष्ट्र के पूर्वज हैं, और इसलिए राष्ट्र के पूर्वज के नाते वो यहाँ के मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, इस देश के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, इसी के लिए तो मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में कहा था ना आपको कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका खुद का मुँह है, उनकी जो जवान है वही उनकी शत्रु है, और इसलिए वो भोपाल में भी हारे प्रज्ञा से, और वो राजगढ़ में रोडमल नागर से हार गए। उनका मुँह और उनकी जवान उनकी बहुत बड़ी शत्रु है। मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि दादा भाई आप संभल के बोला करो, तो नहीं बोल पाते हैं। मोहन यादव तो बहुत इस प्रदेश के लिए सटीक मुख्यमंत्री हैं आज के हालातों में।